हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 20 अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है, यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप पर राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जीके, जो कि सभी प्रतियोगी सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए डेली अपडेट्स मिलते रहे। शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ स्टेट टू ह्यूमन राइट काउंसिल हैव बीन इलेक्टेड बाई द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र की आम बैठक ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कितने राष्ट्रों को सदस्य निकाय के लिए चुना है? तो सदस्य निकाय के लिए जो चुना गया है वह 14 राष्ट्रों को चुना गया है, और इनका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है विश्व भर के सभी मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा करना है। और जो 14 राष्ट्र चुने गए हैं, 14 जो स्टेट चुने गए हैं स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, वह है आर्मेनिया, ब्राजील, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, लीबिया, मार्शल, आइसलैंड, मोरिटानिया, नामीबिया, नीदरलैंड, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, सूडान और वेनेजुएला है। और इन सभी का कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से अगले 3 साल तक रहेगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुप कुमार सिंह को। यह 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टरी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI? किसे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो सुधाकर शुक्ला को। और सुधाकर शुक्ला 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक? यूरोपियन सेंट्रल बैंक के नए चीफ, नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह फॉर्मर IMF चीफ क्रिस्टिन लिगार्डे को। और क्रिस्टिन लिगार्डे जो हैं वो 1 नवंबर से मारियो डेबी, जो कि इटली की है, उनका स्थान लेंगी। नेक्स्ट, विच कंट्री विल बी होस्ट द 91st इंटरपोल जनरल असेंबली इन 2022 आफ्टर ए प्रपोजल रिसीव्ड द ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज एट दिस ईयर्स कॉन्गेशन एट सेंटिंगो इन चिली? इंटरपोल 91वीं इंटरपोल आम सभा की मेजबानी 2022 में कौन सा देश करेगा? तो 2022 में इंटरपोल आम सभा की मेजबानी भारत देश करेगा। तो राइट आंसर है इंडिया। और जो इंटरपोल जो आम सभा होती है, इस सभा में सामान्य नीति को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, काम करने के तरीकों और वित्त के लिए आवश्यक संसाधनों पर प्रतिनिधियों द्वारा विचार विमर्श और चर्चा होती है। नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड द 11th एडिशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव 2022
2019 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा कॉन्क्लेव 2019 की 11th एडिशन का उद्घाटन किसने किया है? तो 11th एडिशन का उद्घाटन किया है केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक जन शिकायतें और पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसका बार का जो विषय है, इसका परमाणु ऊर्जा और जो विषय है परमाणु ऊर्जा कॉन्क्लेव का, वह इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर इनोवेशन टुवार्ड्स सेफर एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज, और इसका आयोजन इंडियन एनर्जी फोरम द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, हु हैज पेंड ए बुक टाइटल्ड माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। बुक माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है इंडियन चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद की जीवनी पर। नेक्स्ट, हु हैज कंडक्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ डिफेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड 2019 DA Annex 90। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेकेंड एडिशन कहाँ पर कंडक्ट हुई है, किसने कंडक्ट की है? तो अंडमान एंड निकोबार कमांड ANC ने। नेक्स्ट, रिसेंटली रिनॉल्ड पेंटर कालिदास कर्माकर पास्ट अवे इन ढाका व्हेन ही वाज बोर्न। हाल ही में प्रसिद्ध पेंटर कालिदास कर्माकर का निधन हो गया है, उनका निधन ढाका में हुआ है। तो ये बताइए कि उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 10th जनवरी 1946, 10 जनवरी 1946 को। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इंडियाज लाइव स्टॉक पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड इन 20 लाइव स्टॉक सेंसस। भारत की पशुधन आबादी 20वीं पशुधन जनगणना में कितने प्रतिशत बढ़ गई है? 4.6%, 4.6%। 19वीं पशुधन गणना 2012 में हुई थी और 20वीं पशुधन गणना 2019 में हुई है। पशुधन आबादी जो बढ़कर है, 2012 में जो पशुधन आबादी 512 मिलियन थी, वह 4.6% बढ़कर 535.78 मिलियन हो गई है। पशुधन आबादी की बात करें तो सर्वाधिक पशुधन आबादी उत्तर प्रदेश में 67.8 मिलियन, उसके बाद राजस्थान में 56.8 मिलियन, उसके बाद मध्य प्रदेश 40.6 मिलियन और फिर पश्चिम बंगाल 37.4 मिलियन है। 20वीं पशुधन जो जनगणना है वो 6.6 लाख गांवों और 89,000 शहरों में की गई है।